follow check. थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, उस दिन ब्लू था आज ब्राउन है। लेकिन उस दिन भी आप सुंदर लग रही थी, आज भी सुंदर लग रही है, तो आज क्या खास मौका है? सुंदर तो मैं बहुत हूँ, तो कोई कहने वाली बात है। anyway, आज कोई खास मौका नहीं, आज मैंने सोचा थोड़ा सा कैजुअल अटायर में आ जाऊँ, तो कैजुअली थोड़ा सा फील करना था, बट स्टिल एट द सेम टाइम क्लासी एंड हॉट। और आज कुछ नया लुक देखने मिलने वाला है आपका, क्योंकि सैलून आई है आप तो यार आई थिंक आई एम डन विद द न्यूड शेड्स, बिकॉज हमेशा मुझे पेस्टल कलर ये न्यूड्स बहुत पसंद होते हैं, अर्दी टोन्स बहुत पसंद होते हैं। आज मैं सोच रही थोड़ा सा ब्लेंड भी करा लूँ, अपने पुराने वाले अवतार पे आ जाऊँ जैसी मैं हूँ। चलो हम तो देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ बिग बॉस ओटीटी खत्म हो गया, बिग बॉस फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिव्या अग्रवाल, शी प्लेड रियली वेरी वेल। इनफैक्ट और भी बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है, मतलब लगा नहीं था इतना दम होगा, बट है यार वेरी नाइस, गेव अ टफ फाइट। कितने एक्साइटेड हैं फिर से एक बार टीवी पर वापस आने वाला सीजन के लिए? तो यस ऑफ कोर्स, ओटीटी में नहीं देख पाई, लेकिन कुछ भी क्लिप्स आती थी जो फैंस वगैरह अपलोड करते हैं तो सोशल मीडिया पे वी आर अवेयर, तो वो देख के बड़ा खुश हुई थी। सीजन के लिए हम आर वेटिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स सलमान सर होंगे एंड ऑफ कोर्स नए नए कॉन्टेस्टेंट देखने को मिलेंगे। लिस्ट तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी दिखाई दी है कि वही लिस्ट के लोग आने वाले, बट आई डोंट नो वही है कि फेक है कि क्या है, आई हैव नो आईडिया, बट वेरी एक्साइटेड। ओके, लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि यू नो शहनाज के फैन क्लब ने आज एक वीडियो अपलोड किया है, शहनाज के लाइव वीडियो, पुराना वीडियो है लेकिन उनके फैंस काफी नम थे उस वीडियो को देखकर और चाहते हैं कि शहनाज को जल्दी से वो शहनाज के साथ बात नहीं हुई, क्योंकि आई थिंक ऐसे टाइम पे पीस में रहने देना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता वो अभी इस हालत में होंगी कि वो किसी का भी रिप्लाई कर पाए, और इस वक्त किसी से ये पूछना कि कैसी हो तुम, सबको पता है वो इस वक्त कैसे है, शी इज नॉट इन गुड फ्रेम राइट नाउ। बस ये है, वीडियो मैंने नहीं देखा कि फैंस ने क्या अपलोड किया, आई एम श्योर उसे और ज़्यादा इनक्रेज करने के लिए, उसकी हिम्मत के लिए कुछ डाला होगा, और मैं सिर्फ यही प्रे करूँगी कि जल्दी से ठीक हो और जल्दी से नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए, बिकॉज आई एम श्योर सिद्धार्थ उसको कहीं ना कहीं से देख रहा होगा और चाह रहा होगा दैट यू हैव टू गो फॉर इट एंड यू हैव टू डू व्हाट आई कुडंट अकम्प्लिश विद यू, तो अब उसके ऊपर और जिम्मेदारी आई है एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी दैट। आप कुछ अपना नया प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? यार बस मेरे को ना एक महीने का टाइम दे दो, क्योंकि ना कुछ बड़ा धमाकेदार है बट आने वाला, बस एक महीने का टाइम दे दो, थोड़ा नजर ना लगे। Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye.